स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको लंग लकार, भूतकाल, उत्तम पुरुष, द्विवचन से संबंधित जो पाठ था उसको पढ़ाया व समझाया। और आज के वीडियो में मैं आपको लंग लकार, भूतकाल, उत्तम पुरुष, बहुवचन से संबंधित जो पाठ है उसको पढ़ाऊंगी व समझाऊंगी। तो बच्चों, इसको पढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि इसकी क्या पहचान है। लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया बनाने के लिए धातु के आदि में आ और अंत में आम जोड़ा जाता है। जैसे पट प्लस, तो पट धातु है और आम जोड़ दिया, आगे आ जोड़ दिया, तो क्या होगा? अपठाम, आ और आम, अपठाम। गम प्लस अगच्छाम, लिक धातु अलिखाम, क्रीड धातु अक्रीडाम, धाव धातु अधावाम, नृत धातु अनृत्याम। तो इसी तरह से आपको क्या है, पहले आ जोड़ा जाएगा और बाद में आम। तो इसी तरह से आपको ये रूप बनाने हैं। अब कुछ ध्यान देने वाली बात क्या है, लट लकार की क्रियाओं में लंग लकार में बदलने के लिए उनके अंत में इस्म लगाते हैं। जैसे सह पठति, वह पढ़ता है, ये हुआ सह पठत इस्म, या सह अपठत, यानी लंग लकार बनाने के लिए क्या करना है, इस्म लगा देना अंत में। अब क्या हो जाएगा, वह पढ़ता था, यूयम गच्छत, यूयम गच्छा, गच्छत इस्म, अहम लिखामि, अहम लिखामि इस्म, या अहम अलिखा। तो बच्चों, इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, कॉपी पर लिखिए और इसे याद कीजिए। अब आइए इससे संबंधित पाठ को पढ़ते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों, आज का पाठ है पाठ 24, लंग लकार, भूतकाल, उत्तम पुरुष, बहुवचन। देखिए बच्चों, तीन पुरुष होते हैं और तीन वचन होते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, लंग लकार प्रथम पुरुष के तीनों वचन पढ़ चुके हैं, तीनों वचन से संबंधित जो पाठ था वो पढ़ चुके हैं। और मध्यम पुरुष से संबंधित तीनों वचन के जो पाठ थे वो भी पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उत्तम पुरुष से संबंधित पाठ, यानी दो पढ़ चुके हैं, एक वचन से संबंधित और द्विवचन से संबंधित पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये लास्ट है बहुवचन, बहुवचन से संबंधित पाठ को आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर हिंदी भी लिख दी है जिससे कि आप लोगों को ये याद करने में, पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। उसको अच्छे, देखो इसको लिखना भी है, पढ़ना भी है, आपको भी समझ में आना चाहिए कि इसका क्या अर्थ है, ठीक है? तो इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा है, अपिबाम। देखिए, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या होगी, अपिबाम। तो अपिबाम का अर्थ क्या होगा, पिया। वयम अपिबाम, वयम मीन्स हम दोनों ने, नहीं, वयम मीन्स होता है हम सब ने। देखिए, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब, ये बहुवचन का है। वयम मीन्स बहुवचन का की ओर संकेत करता है। तो वयम प्रतिदिनम दुग्धम अपिबाम, वयम माने हम सब प्रतिदिन दूध पीते हैं। देखिए, मैंने यहाँ साइड में अर्थ भी लिख दिया इस वाक्य का, जिससे आप लोगों को पढ़ने में, याद करने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि आपके लिए नहीं है संस्कृत। अब आगे देखिए, अश्रुणुम, अश्रुणुम, ये दोनों हैं, एक ही जैसे, कहने का मतलब दोनों क्रियाओं के रूप हैं। ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका क्या अर्थ होगा, सुना। वयम अश्रुणुम, हम सबने सुना। वयम आकाशवाण्या प्रसारितम समाचारम अश्रुणुम, हम सबने आकाशवाणी से प्रसारित समाचार सुना। अब आगे देखिए बच्चों, अकर्षाम जोता, वयम अकर्षाम, हम सबने जोता,
वयम क्षेत्रम अकर्षाम। हम सब ने खेत जोता था या जोता। अब आगे क्या लिखा, आस्म थे वयम आस्म, हम सब थे वयम अध्यापिका आस्म, हम सब अध्यापिकाएं थी, हम सब क्या थी अध्यापिकाएं। देखिए यहाँ पर चित्र भी बना है, तीन अध्यापिकाएं खड़ी हैं, तो वही कहती हम सब अध्यापिकाएं थी। अनृत्याम अनृत्याम नाचे वयम नर्तकः अनृत्याम। वयम माने हम सब, नर्तकः माने नर्तक जो डांस करते हैं, डांसर जिसे कहते हैं। हम सब नर्तक नाचे थे वयम रंगमंचे अनृत्याम। हम सब वयम मीन्स हम सब, रंगमंचे माने रंगमंच पर, अनृत्याम नाचे, हम सब रंगमंच पर नाचे। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा गद्यांश दिया हुआ है बच्चों, इस गद्यांश को पढ़ते हैं। इस गद्यांश में क्या दिया है, कृषक दिनचर्या यानी एक किसान की दिनचर्या दी है कि डेली में क्या करता है, डेली वर्क क्या है किसान का, कैसे अपना टाइम स्पेंड करता है, पूरे दिन क्या करता है किसान, उसकी दिनचर्या दी हुई है। तो क्या लिखा है, पहला सरदह यानी शरद, शरद गया है तो शरद क्या कहता है, अहम परिचित कृषकस्य गृहम अगच्छम। अहम माने मैं, एक परिचित कृषकस्य यानी किसान के, गृह माने घर को, अगच्छम माने गया, कि मैं एक परिचित किसान के घर गया। शरद क्या कहता है कि मैं एक परिचित यानी जान पहचान, परिचित का मतलब जिसे हम जानते हैं, जानने वाले किसान के घर गया। फिर क्या हुआ, पूर्वाह्ने तत्र न कोऽपि व्यस्कः आसीत्। पूर्वाह्ने माने दोपहर के समय, तत्र माने वहां, कोऽपि माने कोई भी, वयस्का माने जवान, और यानी कोई बड़ा व्यक्ति जो बुजुर्ग नहीं होते, आसीत माने था, कि दोपहर के पहले वहां पर कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं था, दोपहर के पहले वहां पर कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं था, बड़ा बूढ़ा कोई भी व्यक्ति नहीं था। फिर आगे क्या हुआ, अहम तत्रैव अतिष्ठम। अहम माने मैं, तत्रैव माने वहीं पर, अतिष्ठम माने बैठ गया यानी रुका, रुक गया, रुका, मैं वहीं पर बैठ गया, बैठा या रुका। सायंकाले सर्वे अगच्छन्, सायंकाले माने शाम के समय, सर्वे माने सभी, अगच्छन् माने आए, शाम के समय सभी आए। अब देखिए जेंट्स लोग वैसे भी काम की वजह से चले जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं काम के चक्कर में, बाहर तो निकल ही जाते हैं, ऐसे किसान सुबह सुबह अपना हल लेकर, बैल लेकर, कहीं जुताई करनी है, बीज बोना है, घास निकालनी है, खाद लगानी है, पानी देना है, रखवाली करनी है, बहुत सारे काम होते हैं खेत में, तो वो भी सुबह सुबह ही निकल जाते हैं, तो शाम को ही लौट के आते हैं। अब आगे क्या हुआ कि शाम के समय सभी आए। फिर अहम स्वमित्रस्य पितरम अप्रच्छम्। भवन्तः कथं गृहे उपस्थितः नासन्। क्या कहा, अहम माने मैंने, अपने मित्र के, पितरम माने पिता से, अप्रच्छम माने पूछा, मैंने अपने मित्र के पिता से पूछा, भवन्तः माने आप, कथम क्यों, ग्रहे माने घर में, उपस्थिता माने उपस्थित, ना आसन माने थे, कि मैंने अपने मित्र के पिता से पूछा कि आप सब
घर में क्यों उपस्थित नहीं थे? आप सब घर में क्यों उपस्थित नहीं थे? फिर आगे देखिए, अब उसने किसान ने क्या जवाब दिया। किसान का नाम क्या है बच्चों? महिमा। किसान का नाम क्या है? महिमा। अब महिमा क्या कहता है? भवान जानाति वयम् कृषकः वर्षाकालो अयम् च। भवानी माने आप, जानाति माने जानते हो, आप जानते हैं क्या? वयम् माने हम सब, कृषकः माने किसान हैं, हम सब क्या हैं? किसान हैं। देखिए आप तो जानते हैं कि हम सब क्या हैं? किसान हैं। वर्षा कालो अयम् च, और यह वर्षा ऋतु का समय है। इस समय कौन सी ऋतु है? वर्षा ऋतु। ये बरसात का टाइम है और बरसात का समय है ये। फिर क्या? अध रात्रो मेघः बादन द्वय पर्यंत वृषम अवर्षत। क्या कहा उन्होंने? अध रात्रो माने आज रात से ही बादल दोपहर तक, यानी दो प्रहर होते हैं, जो प्रहर दोपहर मत समझना, दो प्रहर तक जोर से बरसते, यानी बरसे, जोर से बरसे। आज रात से ही बादल दो प्रहर तक जोर से बरसे। फिर आगे क्या हुआ? अब अतः यानी इसलिए, वयम माने हम सब, अतः वयम प्रातः काले क्षेत्रम अगच्छाम। वयम माने हम सब, अतः माने इसलिए, सुबह ही, प्रातः काले सुबह ही खेत में अगच्छाम माने चले गए, यानी इसीलिए क्या हुआ? प्रातः ही हम लोग खेत में चले गए, क्योंकि रात में खूब अच्छी बारिश हुई, रात भर कितनी अच्छी बारिश हुई, इसीलिए हम सुबह सुबह ही अपने खेत को चले गए। फिर आगे क्या कहते हैं महिमा? तत्र वयम् क्षेत्रे खननादिकार्याणि अकुर्म। क्या किया? और खेत चले गए। वहां, तत्र माने वहां, वयम् माने हम सब ने, क्या? वहां हम सब ने खननादि माने खुदाई, आदि माने आदि, कार्याणि माने कार्य, अकुर माने किया, यानी वहां हमने खुदाई आदि अनेक कार्य किए, बहुत सारे कार्य किए, खुदाई की, गुड़ाई की, बहुत सारे काम खेत में किए, सुबह सुबह ही हम लोग चले गए थे। फिर क्या हुआ कि वयम् क्षेत्रम् अकर्षामि। वयम् माने हम सब ने, यानी हमने, वयम् माने हम सब ने, क्षेत्रम् माने खेत को, अकर्षामि माने जोता, हम सब ने अपने अपने खेत जोते। फिर आगे वयम् घासानि तृणानि च वहि अक्षिपाम। क्या किया कि वयम् माने हम सब ने घासानि माने घास को, तृणानि माने तिनके, यानी घास के जो तिनके थे, घास और तिनकों को, देखिए खेत में बहुत सारी घास इकट्ठा हो जाती है और तिनके होते हैं बहुत सारे, जैसे अब गेहूं की फसल कटी है तो बहुत सारे तिनके नहीं हो जाते, जो सीके होती हैं, तो वही बता रहे हैं कि वहां पर हम लोगों ने घास और तिनकों को बाहर निकाला, अच्छिपा माने बाहर निकाला तिनकों को। फिर आगे क्या हुआ? वयम् अन्नो उत्पादनाय कठिनम् अश्राम्याम। क्या है कि वयम् माने हम सब, अन्न उत्पन्न करने के लिए हम सब ने क्या किया? अन्न उत्पन्न करने के लिए कठिन परिश्रम किया। हम लोगों ने क्या किया वहां? अन्न उत्पन्न करने के लिए कठिन परिश्रम किया। वयम् बीजानि अपवाम। अपवाम यानी वयम् बीजानि माने, वयम् माने हम सब ने, बीजानि माने बीजों को, अपवाम माने बोया, हम सब ने वहां पर बीज बोए। वयम् श्रांतः क्लांतः च अभवाम।
भयम माने हम सब, श्रांता माने थके, क्लांता माने हारे, यानी हम सब थके हारे हो गए, यानी थककर चूर हो गए, हार थक गए बिल्कुल, काम करते करते कैसे हो गए, थक गए। फिर बाद में क्या हुआ, सायंकाले वयम् बलिवर्धाभ्याम सह गृहम् प्रत्यागच्छाम। फिर शाम को, सायंकाले माने शाम को, वयम् माने हम सब, बलिवर्धाभ्याम माने दोनों बैलों के साथ, सह माने साथ, गृह माने घर को, प्रत्यागच्छा माने वापस लौट आए, यानी शाम को हम लोग दोनों बैलों के साथ घर को लौट आए। अस्माकं दिनचर्या आसीत्, अस्माकं माने यही हमारी दिनचर्या थी, अस्माकं माने हमारी दिनचर्या माने दिन की, यानी दिन के क्रियाकलाप, आसीत माने थे, यही हमारी दिनचर्या थी, यानी यही हम रोज करते हैं। तो बच्चों ये तो पाठ हो गया, अब आइए इससे संबंधित एक्सरसाइज को देखते हैं। यहाँ पर देखिए लंग लकार किस के रूप लिखे हुए हैं, अस धातु के रूप लिखे हुए हैं, और इधर लंग लकार क्री धातु के रूप लिखे हैं। इनको आप कॉपी पर लिखना और याद करना। और देखिए नीचे पट धातु के रूप लिखे हैं, पिछले यानी पिछले जो पाठ मैंने पढ़ाए थे उसमें गम धातु और पट धातु के रूप भी हम लिखा चुके थे, याद करा चुके थे, और आपके पेपर में आए भी थे। इस बार आपको अस धातु और क्री धातु दोनों के रूप लिखने हैं और याद करने हैं, ठीक है बच्चों। और इसको कैसे पढ़ेंगे, आसीत आस्ताम आसन, आसी आस्तम आस्त, आसम आसमम नहीं आस सम आसु आसम, इसी तरह से आपको ये पढ़ने याद करने। अकरोत अकुरुताम अकुरुवन, अकरोह अकुरुतम अकुरुत, अकरवम अकुर्व अकुर्म, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है, एक्सरसाइज 4 देखिए। अधो लिखित वाक्यानि लंग लकारे, क्या है, नीचे दिए गए वाक्यों को लंग लकार में बदलिए। अब बयम गुरु गुरु, बयम गुरु नमस्यामः, तो इसका क्या हो जाएगा, नमस्यामः, देखिए ये भूतकाल की क्रिया है, नहीं सॉरी ये है भविष्यति काल की क्रिया, और आपको लंग लकार यानी भूतकाल में बदलना है, तो क्या हो जाएगा नमस्यामः का, अनमाम अनमाम। तो युवाम कथम क्रुद्धतः, तो अक्रुद्धतम। अहम फलम खादामि अखादम, क्या हो जाएगा खादामि का, अखादम। आवाम गावम ग्रामम निश्यावह, तो क्या हो जाएगा अनिया वही, निश्यावह का क्या हो जाएगा अनिया वही। बयम निबंधम लिखिष्यामः, तो क्या हो जाएगा अलिखम, क्या हो जाएगा बच्चों अलिखम। अब आइए अगली एक्सरसाइज देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को उचित कर्ता के प्रयोग से पूरा कीजिए। अब यहाँ पर देखिए कर्ता लगाना है, उचित कर्ता यानी क्रिया के अकॉर्डिंग ही कर्ता होगा, तो क्या होगा, सीता स्वर्ण मृगम बने अपश्यत, अहम अध्यापकात संस्कृतम अपठम, वयम कूपे अकूर्दाम। फिर आगे अहम मलिनम वस्त्रम प्रक्षालयम, आवाम उच्चे अहसाव, आवाम तस्या नाम न अविस्मराव। अब आगे देखिए यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों से कीजिए। यहाँ देखिए ब्रैकेट में जो कोष्टक बना है इसमें कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हीं शब्दों के माध्यम से आपको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वयम केशवम अभजाम, रामात ना कोऽपि श्रेष्ठा अस्ति, रावणः शिवम अजपत, आचार्याय नमः, देखिए नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, किसी को दान देने के योग में चतुर्थी, ये मैंने आपको संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति में पढ़ाया था बच्चों।
तो जहाँ पर नमः लिखा हो समझ लो कि चतुर्थी विभक्ति होगी। चतुर्थी विभक्ति का रूप कैसे चलता है? रामाय, रामाभ्याम। तो इसी तरह देखिए यहाँ आचार्याय है, लिखा है आचार्याय है, तो समझ लो ये चतुर्थी विभक्ति का है। ये नमः लगा है तो आचार्याय ही यहाँ पर होगा। अब आगे देखिए अहम मित्रेण, सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और तृतीय विभक्ति के रूप कैसे चलते हैं? रामेण, रामाभ्याम ऐसे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? अहम मित्रेण सह पाठशालां गच्छामि। अब आगे देखिए लंग लकार की क्रियाओं से वाक्यों को पूरा कीजिए। पिपासा कुल्हा बायशः जलाए अगच्छन, क्या होगा? बायशः जलाए अगच्छन। अहम रामायणम अपठम यूयम राष्ट्रगानम अगायत, आवाम भिक्षुकाय भोजनम अयच्छाव, वयम निपुणः आस्म। अब अगली एक्सरसाइज देखिए, यहाँ पर मैचिंग करनी है बच्चों आपको। खंड का को खंड खा से मिलान करना है। सदा अहम सदा सत्यम, क्या होगा? बदामी। अहम के साथ बदामी होगा। सम्राट अशोक अशोकः बौद्ध धर्मस्य प्रचारम अकरोत्, वयम वीर सैनिकः आस्म, युवाम अश्वान आरोहतम, सूर्यः ग्रीष्मकाले तीव्रम तपति। इसी तरह से आपको भी ये करनी है और याद करनी है। इसको कॉपी पर लिखो और याद करो बच्चों। नहीं, कॉपी पर नहीं लिखना है, ये सारी एक्सरसाइज आपको किताब पर ही करनी है और याद करनी है, किताब पर ही करो बच्चों। फिर आगे क्या है? गद्य खंड पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। अब देखिए जो आपको गद्यांश मैंने पढ़ाया है, किसान की दिनचर्या, उसी पर आधारित ये प्रश्न है। वन वर्ड आंसर करना है आपको। कृषकस्य किम नाम आसीत, किसान का नाम क्या था बच्चों? महिमा। कृषकः कदा क्षेत्रम अगच्छन्, कब जाता है, किस समय? प्रातः काले। फिर कृषकः किम अकर्षन क्षेत्रम, क्या जोतता है किसान, किसकी जुताई करता है, खेत की। क्षेत्रम भवन्तः धन्यः सन्ति इति कहा खतियत सरदः, कृषकः कानि वहि अक्षिपन, क्या हुआ? घासानि तृणानि च, घास और तिनकों को ही तो बाहर निकाला था किसान, निकालते थे खेत से। तो ये तो बच्चों पाठ हो गया और एक्सरसाइज हो गई। कोई समस्या हो मुझे फोन करना, ठीक है? और इसको ध्यान से अपनी किताब पर पहले करना और फिर उसके बाद याद करना। कोई परेशानी लगे तो मुझे फोन करके मुझसे पूछ लेना। अब आइए देखते हैं आज की एक्टिविटी में आपके लिए क्या है बच्चों। आज की एक्टिविटी में है एक्सरसाइज 9, गद्य खंड पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। यानी आपको ये जो मैंने गद्य खंड आपको पढ़ाया है, किसान की दिनचर्या, उसी से संबंधित प्रश्न है जिनके उत्तर आपको एक पद में यानी वन वर्ड आंसर करना है। तो इसको फटाफट कीजिए। अब आइए देखते हैं आज के क्लास वर्क में आपके लिए क्या है। क्लास वर्क में है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ अपनी किताब से खोज कर लिखो। तो बच्चों इस वर्क को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अब आइए देखते हैं आज के होमवर्क में आपके लिए क्या है। होमवर्क में है जो वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, उसको ध्यान से देखो, समझो, लिखो और याद करो। कोई समस्या हो मुझे फोन करो, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगी। धन्यवाद।